हेलो एवरीवन मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थ्री जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक प्रोवाइड किया है आप वहाँ से जाकर इनको क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स और अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक हमने आपको प्रोवाइड किया है आप उन्हें भी यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकॉनमी सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी आपके ऑप्शन है एग्रीकल्चर ट्रेड कारपेंट्री या व्हील मेड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एग्रीकल्चर द इंडस इकोनमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर सरप्लस तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत थी आपके ऑप्शन है अर्बन सिविलाइजेशन एग्रीगियन सिविलाइजेशन मैसोलिथिक सिविलाइजेशन या पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इट्स अर्बन सिविलाइजेशन तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सभ्यता का नाम आपके ऑप्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन मैसोपोटानिया सिविलाइजेशन इजिप्टियन सिविलाइजेशन या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इट्स मैसोपोटानियन सिविलाइजेशन तो ये सबसे पुरानी थी इसके बाद आइए फ्रेंड्स आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन उसके बाद आपको मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड लास्ट है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो ये भी कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि सेकेंड थर्ड या फोर्थ सिविलाइजेशन कौन सी है सबसे पुरानी तो अब आपको याद रखना है आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डकयार्ड क्रितिम ईट डकयार्ड के साथ एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था आपके ऑप्शन है लोथल हड़प्पा कालीबंगन कालीहन जुदारो तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए यानी लोथल अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है लोथल वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वॉज लोकेटेड एट सर्ग वॉल गुजरात मासिव डार्ड वॉज फाउंड एट लोथल विच इजोज टू बी द अर्ली डक इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखनी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे आपके ऑप्शन है विष्णु पशुपति ब्रह्मा या इंदिरा तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इट्स पशुपति द पीपल ऑफ इंडस वैली वर्कशिफ्ट पशुपति शिवा ऑल्सो कोल्ड प्रोटोशिवा तो कई बार आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि शिव का दूसरा नाम क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि शिव का दूसरा नाम प्रोटोशिवा है अकॉर्डिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन के तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द र्यून्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहन जोदारो वर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक हड़प्पा और मोहनजोदारों के अवशेष मिले थे निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आपके ऑप्शन हैं रवि इंडस व्यास या बोथ ए एंड बी तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी रवि और इंडस अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स मोहन जोदारो वॉज लोकेटेड द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर इन सिंधु पाकिस्तान द सिटी ऑफ हड़प्पा वॉज लोकेटेड नियर द रिवर रवि इन पंजाब पाकिस्तान तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एशियन कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड हिंदुइजम ऑफ टूडे इज प्रूव बाय द वर्कशिप ऑफ सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और हिंदू धर्म के बीच जैविक संबंध आज की पूजा से सिद्ध होता है आपके ऑप्शन है पशुपति इंदिरा एंड मदर गॉडिस, स्टोन ट्रीज एंड एनिमल्स विष्णु एंड लक्ष्मी एंड लास्ट ऑप्शन इज शिवा एंड शक्ति तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इट्स स्टोन ट्रीज एंड एनिमल्स कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको याद रखनी है लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन वही वर्कशिप स्टोन ट्रीज एंड एनिमल इन मॉडर्न हिंदुज इन वेरियस फॉर्म तो ये इंफॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी आपके ऑप्शन है तमिल अनोन खरोस्टी या ब्रह्मी तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट्स अनोन तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है सील्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड सिम्बोलिक पिटियोग्राफिक स्क्रिप्ट विच हैज़ नॉट बिन डेसीफेड येट तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच अमंग द फॉलविंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकर्वेशन ऑफ हड़प्पन साइट हड़प्पाकालीन स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया गया है आपके ऑप्शन है ड्रेन एंड वेल फोर्ट रिजर्वर्स टेम्पल एंड शिखा तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंड्स ऑप्शन डी इट्स टेम्पल एंड शिखा कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर याद रखनी है No temples have been excavated from the sites of Harappan civilization. They used to worship mother goddess and pashupati Maharaj. Yoni and Lingam worship culture was also prevalent in Harappa. तो so, ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स याद रखने हैं. फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए. And if you have any doubt and suggestion regarding these question. तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वी विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट थैंक यू सो मच फ्रेंड्स